अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल टेक एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी स्किल्स के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्टिफिकेट के साथ। जो कोर्सेज आप फीस वगैरह देकर हासिल करते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह नहीं है। जस्ट आपके अकाउंट पर आपको वीकली लेक्चर्स आएंगे और वहीं से आपने लेक्चर्स को वॉच करना है, जहां पर आपको बेसिक लेवल से लेकर एंड लेवल तक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है आपके कोर्सेज से मुतल्लिक। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है जो कि बिल्कुल फ्री है, कोर्सेज को सिलेक्ट कैसे करना है और आपकी क्लासेस कब होंगी। तो आज से इसकी इनरोलमेंट स्टार्ट है, 1 फरवरी से इसकी इनरोलमेंट स्टार्ट है और 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 1 मार्च से आपकी जो क्लासेस होंगी वो शुरू हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रोम ब्राउज़र में आना है और सर्च बार में लिखना है digiskills.pk, ये लिखकर आपने सर्च कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हमने इस पर अपना अकाउंट बनाना है, तो साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने साइनअप का जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जिस पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं और पासवर्ड लिखना है यहाँ पर, उसके बाद सबमिट कर देना है। पासवर्ड लिखते हुए आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं, उसके बाद नंबर या स्पेशल करेक्टर। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, U123, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट, उसके बाद नंबर वगैरह, और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है जिस पर अकाउंट बनाया था, और इधर पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी इनरोलमेंट होगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपने इधर आ जाना है और माय प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने प्रोफाइल को कम्प्लीट करना है। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम लिखे या ना लिखे, यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, जेंडर मेल या फीमेल जो आप हैं, ठीक है ना, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है ना। इधर आपने अपना CNIC नंबर या फिर बे फॉर्म नंबर लिखना है। अगर आपका CNIC नंबर वगैरह नहीं है तो आप पेरेंट या गार्डियन का भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, जिस भी कंट्री से है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान लिखा हुआ है। नेशनलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद इधर सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं वो आपने लिख देना है, और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। इसके बाद आपने आ जाना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, सिलेक्ट इधर से सिलेक्ट ऑपरेटर पहले आपने करना है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ 0300, और यहाँ पर जो आपका बाकी नंबर है वो आपने लिख देना है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर आपके पास घर में है या नहीं है, यस नो, ठीक है, वो आपने कर देना है। इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास कौन सी है घर में, DSL है, केबल इंटरनेट है, जो आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में, यहाँ पर आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मास्टर किया हुआ है तो मैं मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पेशलाइजेशन आपने किस में की हुई अपनी डिग्री, तो मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया तो कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करंट स्टेटस आपका कौन सा, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप एम्प्लॉयड करेंगे तो वो आपसे बाकी चीज़ें भी पूछेगा कि भाई आपका जो अभी प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना, जॉब सिटी कौन सा है, और आपकी सैलरी कितनी है और एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप यहाँ से इसको अनएम्प्लॉयड कर देंगे तो वो बाकी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फ्यूचर प्लान आपका क्या है, जॉब है, ओन बिजनेस या फ्रीलांसिंग वगैरह, जो आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद प्रोफिशिएंसी और इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि अपना आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो कितना है, ठीक है ना, नो नॉलेज, बिलो एवरेज, ठीक है, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। आपकी यहाँ पर इंग्लिश है वो कैसी है, इंटरमीडिएट, बिगनर, नो नॉलेज, ठीक है ना, वो आप सिलेक्ट कर लें। राइटिंग कैसी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने आ जाना है कि आप डिजिस्किल को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर रीज़न लिख देनी है, टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग या जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप क्या यहाँ पे सीखना चाहते हैं, तो कोई से भी 2-3 आप सिलेक्ट कर लें। मगर ये आपकी इनरोलमेंट नहीं होगी, ये आपका वैसे इंटरेस्ट वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं रैंडमली कोई से भी 3-4 इधर कर लेता हूँ, आपने भी कर लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना। तो अभी आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो YouTube सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ कोई और सोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। आर यू फैमिलियर विद फ्रीलांसिंग, तो यस नो, आप फ्रीलांसिंग के को पहले से जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है ना। तो यस नो जिस पर आप क्लिक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है और आपकी जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कम्प्लीट करने के बाद आपने
दोबारा से अपने होम पेज पर आके अपनी इनरोलमेंट कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा से अपने होम पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपने अपने कोर्स की इनरोलमेंट करनी है, तो इनरोल नाउ पे आपने क्लिक कर देना है, या फिर इधर से भी आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके, ठीक है ना। इनरोल नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो इधर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कोर्स टाइटल लिखा हुआ है, कोर्स आप कौन सा है, ठीक है ना। ड्यूरेशन 12 वीक सबकी है। यहाँ पर ट्रेनर का नाम लिखा हुआ है कि अगर आप जो ट्रेनर देंगे, ठीक है ना, ट्रेनिंग, उसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कोर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल भी दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो में भी डिटेल आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। कोई से भी दो कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपकी फ़र्स्ट इनरोलमेंट है, फर्स्ट बैच आपका है, तो आपने क्या करना है, फ्रीलांसिंग जो कोर्स होगा वो कंपलसरी होगा। फ्रीलांसिंग के साथ आप एक और कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी फ़र्स्ट इनरोलमेंट है। अगर आपकी फ़र्स्ट इनरोलमेंट नहीं है, आप पहले भी कोई बैच किसी बैच से आप डिजी स्किल को यूज़ कर चुके हैं, लेक्चर वगैरह ले चुके हैं, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप फ्रीलांसिंग के अलावा कोई और दो कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर फ़र्स्ट इनरोलमेंट के लिए फ्रीलांसिंग जो है वो कंपलसरी होगा। मैं यहाँ पर कोई से भी दो कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर मैं ई कॉमर्स मैनेजमेंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके करना है। तो देखिए अब लिखा हुआ आ गया, इनरोलमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है ना, यानी कि आपकी इनरोलमेंट हो चुकी है। अगर आपने कोई कोर्स अपना चेंज भी करना है तो यहाँ से दोबारा जाकर 28 फरवरी से पहले यहाँ से अपना कोर्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ दोबारा से, और मेरा जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर हम दोबारा से अपने होम पेज पर आएँ तो ये देखें लिखा हुआ है, कोर्स विल स्टार्ट ऑन 1 मार्च 2023, ठीक है ना, यानी कि 1 मार्च से आपकी जो क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो जो क्लासेज हैं वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपके अकाउंट पर ही आएंगे, आपकी इसी प्रोफाइल पर ही आएंगे, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर कोई ना मतलब कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि आपने इस टाइम क्लास लाजमी लेनी है, कोई अटेंडेंस नहीं है। यहाँ पर आपको वीकली जो लेक्चर हैं वो अपलोड हो जाएंगे हर वीक, मोस्टली मंडे को होते हैं, ज़्यादातर मंडे को होते हैं, ठीक है ना। अगर मंडे को कोई छुट्टी आ जाए तो आगे पीछे होता है, नहीं तो मंडे को ही होते हैं। और उसके बाद इधर से ही आपने अपनी वीडियोज़ को वॉच करना है, ठीक है। तो जैसे ही इसके लेक्चर वगैरह शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको LMS का मेथड भी बताऊंगा कि LMS को इसके यूज़ कैसे करना है और एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्विज़ वगैरह कैसे करने हैं। तो इस तरह आप डिजी स्केल पर इनरोल अपनी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक या लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।